जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम खालिद महमूद साहब के साथ हैं और डॉक्टर खालिद महमूद जो हैं वो NIB यानी नेशनल, क्या है भाई पूरा नाम? नेशन बिल्डिंग इनिशिएटिव्स नेशनल NBI। नेशनल बिल्डिंग इनिशिएटिव के फाउंडर मेंबर हैं। और ये बताइए भाई NBI क्या है, हमें भी मिलके बना सकते हैं, क्या क्या काम है? ये बेसिकली एक तहरीक की तरह की एक ऑर्गेनाइजेशन है और ये कौम को यकजा करने के लिए है। पूरी पाकिस्तानी कौम इसकी मेंबर बन सकती है, इसमें मिलके काम कर सकते हैं। और हमारा मोटो ये है कि हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। तो हर आदमी अपने लेवल के ऊपर अपनी इस्तेदाद के हिसाब से इसमें कंट्रीब्यूट कर सकता है, और चाहे वो फाइनेंशियली कर रहा हो, चाहे वो एडवाइस के तौर पे कर रहा हो, प्रोफेशनली कर रहा हो, टाइम दे रहा हो, जिस तरह से भी वो कंट्रीब्यूट कर सकता है, उसके पास आइडियाज होंगे, एक्सपर्टीज होगी, एक्सपीरियंस होगा, तो वो मिलके हमें जो है ना वो गाइड कर सकता है। और हम लोग मिलके जो है ना इस कॉम को, आइडिया ये है कि एक एगेलिटेरियन सोसाइटी बनाना जहाँ के एक गरीब आदमी को के बच्चे को भी वही इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले आगे जाने की, बढ़ने की, जो कि एक अमीर आदमी के बच्चे को है। इस तरह की एक सोसाइटी बनाई जाए जिसके अंदर के मोहब्बत हो, जिसके अंदर अमन हो, और ये सोसाइटी जो है वो सबके लिए एक अच्छी जिंदगी जो है ना वो दे सके। तो ये मकसद है हमारा, और ये सिर्फ हमारा मकसद सिर्फ इस मुल्क की हद तक नहीं, ये मकसद हमारा पूरा नौ इंसानियत के लिए है कि हम जैसे एनवायरनमेंट के ऊपर काम करना चाहते हैं, तो वो हवा जो कि आज यहाँ है कल को वो इंडिया में जाएगी, वही ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जो है ना वो परसों थाईलैंड में होगा और नर्सों जो है वो अमेरिका में होगा। तो हमारा मकसद ये है कि एक ऐसी दुनिया बनाई जाए, इसकी इब्तिदा हम पाकिस्तान से करें, कि जो पीसफुल हो, जो कि प्रॉस्परस हो, जहाँ के लोगों को उनके हकूक मिल रहे हों और उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिल रही हों अपनी सलाहियत और मेहनत के हिसाब से आगे बढ़ने की। अगर कोई आदमी, कोई गरीब का बच्चा है, तो ये उसके लिए कोई हिंड्रेंस नहीं होनी चाहिए। वो एनवायरमेंट ऐसी होनी चाहिए कि अगर वो मेहनत करता है तो वो आगे जा सकता है, और अगर वो चूज करता है कि मैंने गरीब ही रहना है, कुछ पढ़ना नहीं है, कुछ मेहनत नहीं करनी है, कोई काम नहीं करना है, तो वो उसकी चॉइस है। लेकिन अगर वो आगे बढ़ना चाहता है तो किसी किस्म की कोई हिंड्रेंस नहीं होनी चाहिए। तो ये जहन में रखते हुए हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है नेशन बिल्डिंग इनिशिएटिव के नाम से, तहरीके तामीर कौम के नाम से, और इसमें हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को फॉलो कर रहे होते और इसके अंदर सारे लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलती है। तो जो भी लोग समझते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि नेशन को बिल्ड करने के लिए काम करते हैं, चाहे वो छोटा काम करते हो, बड़ा काम करते हो, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने प्लान्स को 1 पेज एग्जीक्यूटिव समरी बनाकर खालिद भाई के साथ जरूर डिस्कस करें, इनकी टीम के साथ डिस्कस करें और इनके साथ कोलैबोरेट करें। इन्होंने इनिशिएटिव लिया है एक प्लेटफॉर्म बनाने का, ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने का जिसके जरिए नेशन बिल्डिंग हो। मैं भी इनके प्लेटफॉर्म में शामिल होना चाहता हूँ। मेरा इनिशिएटिव यह है कि पाकिस्तान में कोई भी आदमी $500 महीने से कम आमदनी का हामिल ना हो, तो वो भी अगर इकोनॉमिकली एम्पावर्ड नहीं होगा तो वो किसी ज़कात और सदके के चक्कर में पड़ा रहेगा। तो हम चाहते हैं कि वो सेल्फ सफिशिएंट हो और सेल्फ रिलायंट हो, और उसको करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हम लोग करते हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप भी कोई ऐसा काम करते हैं जिससे पाकिस्तान बेहतर बने किसी भी तरह से, तो उसके लिए आप खालिद भाई के साथ जरूर शामिल हो, चाहे आप एंटरप्रेन्योरशिप के जरिए हो, चाहे क्लाइमेट चेंज के लिए हो, चाहे IT के जरिए करना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, उनके साथ कनेक्ट करें। इसके ऊपर हम एक डिटेल मजीद गुफ्तगू करेंगे खालिद भाई के साथ जब खालिद भाई टाइम देंगे। अभी आप इसमें कुछ और ऐड करना चाह रहे? मैं सिर्फ ये कर रहा हूँ कि इस ऑर्गेनाइजेशन का मकसद एक ये भी है कि डिफरेंट NGOs जो कि अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं, तो हमें उन लोगों को कोलैबोरेटर्स बनाना है। कोई कोई किसी ऑर्गेनाइजेशन की है तो हमने नेटवर्किंग करनी है, जो अच्छा काम कर रहे हैं उसको हाईलाइट करना है और उसको आपस में हमने कोलैबोरेट करवाना है एक दूसरे के साथ। तो जो भी NGOs भी काम कर रहे हैं, चाहे इंडिविजुअल कैपेसिटी में कोई काम कर रहा हो या कोई कलेक्टिवली किसी NGO के थ्रू काम कर रहा हो या किसी सोसाइटी के थ्रू काम कर रहा हो, तो हम ये चाहते हैं कि सबको आपस में नेटवर्किंग ऐसी करा दी जाए ताकि
ताकि ये जब एक दूसरे के साथ ये सिनर्जाइज हो जाएंगे तो ये फिर आगे जो है ना तेजी से काम बढ़ पाएगा। इंडिविजुअली आदमी जो है ना कुछ थोड़ा बहुत किसी का कोई ना कोई हैंडीकैप होता है, तो जब कलेक्टिवली हम लोग काम कर रहे होंगे तो ये इस हैंडीकैप को हम लोग ओवरकम कर सकते हैं। तो हमारा एक काम नेटवर्किंग का भी है कि आपस में एक दूसरे को यूनाइट कर दिया जाए और मिला दिया जाए, और कोलैबोरेशन जो है ना वो होनी बहुत जरूरी है। ठीक है, थैंक यू सो मच खालिद भाई, आप इतना अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, अल्लाह हम सबको आप ही के नक्शे कदम पे चलने वाला बनाए और आपसे सीखने वाला बनाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। साथियों प्लीज, खालिद भाई का नंबर है 0333-317-4907, इस पर आप इनको व्हाट्सएप पे मैसेज करें और इनके साथ टाइम सेट करें और कोलैबोरेट करने की कोशिश करें। इनको फेसबुक पे, लिंक्डइन पे ऐड करें, ट्विटर पे ऐड करें, थोड़े दिन में इतना इनको बिजी करना है कि ये नंबर अपना जो है वो किसी सेक्रेटरी के हाथ में रख दें और मिलकर जो है वो पाकिस्तान की खिदमत करें हम सब लोग। बहुत बहुत शुक्रिया इंशाल्लाह खालिद भाई, थैंक यू सो मच अगेन फॉर दैट।